पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल में अपनी अलग पहचान बना चुका पनोरमा ग्रुप एक बार फिर पूर्णिया को कुछ नया देने को तैयार है। पनोरमा ग्रुप लेकर आ रहा है विदेशी सुविधाओं से लैस ई होम पनोरमा, भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट, वो भी आपके बजट में। तो आइए जानिए कि कैसा होगा आपका सुपर टेक्नोलॉजी लैस आसियान। आज एक बहुत अच्छा दिन है, बड़ा दिन है हम सबके लिए, हम पूर्णियावासी के लिए, हम कोशी सीमांचल के लिए, बिहारवासी के लिए। कि आज जो हम लोग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये पूरे भारत में जो टाउनशिप की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में सिर्फ 4 और 5 टाउनशिप अभी तक बना है। और आश्चर्य होगा जानकर के आपको, ये बिहार का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है बताने के लिए, इसी रखा गया है। अभी हमारी सारी जितने भी कंप्लायंसेस हैं, पेपर वर्क है, उसको पूरा कर लिया गया है, उसका नामकरण हो गया है। आज आप लोगों के सामने उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिनका नाम ई होम्स पनोरमा रखा गया है, जो अपने सदर बाईपास में पिछले 28 जनवरी को आप लोगों ने देखा होगा कि हमने भूमि पूजन किया था, उसका नामकरण नहीं किया। चूंकि हम लोगों को नियम है, जब तक हमारे पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होंगे आप उस प्रोजेक्ट का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है और आज हम लोग उसका अनाउंस कर रहे हैं, जिसका नाम है ई होम्स पनोरमा। ई होम्स पनोरमा है क्या, पहले उसको हम लोग जानते हैं और उसकी क्या विशेषता है। पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे पहले भी बताया कि बिहार का पहला प्रोजेक्ट होगा ई होम्स। ये स्मार्ट होम है जिसको हम लोग मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। फेस आईडी होगा, जैसे लोग मोबाइल को लॉक करते हैं अपने फेस से, फिंगर से, फिंगरप्रिंट से, उसी तरह से हम इसको घर को ऑपरेट कर पाएंगे। इसमें कंप्लीट ऑटोमेशन का प्रयोग किया गया है और इस घर में पुरानी चीजों को भी रखा गया है कि घर का हाइट ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम कंक्रीट बिल्डिंग में दिखाई ना दे, ग्रीनरी हो, लस ग्रीन पेपर्स हो, और जैसे बाउंड्री वाली है वर्टिकल हो, कंक्रीट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा जनरेट करेगा, किसी लोगों को परेशानी होगी, इस सारी चीजों का ध्यान रखा गया। बिजली का कम से कम खपत हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, ये सारी चीजों का रखा गया जो पुराने घर में हम लोग देखते थे पहले 20 इंची का दीवार देता था। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि वॉल हमारा हीट ना करे, उस तरह का ग्लास का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। और सोलर सिस्टम, इसीलिए हम लोग सोलर सिस्टम करते हैं, जब 12 बजे 1 बजे दिन में हम जाते हैं नहाने के, उस टाइम पानी देखते बहुत हीट हो जाता है, हम लोग नहीं नहा पाते। उन सब छोटी छोटी सभी चीजों का ध्यान रखा गया है और इसकी कुछ विशेषताएं आठ कर दिए हैं। सिंपल फ्लैट बन रहे हैं, काफी तेजी से काम चल रहा है और आने वाले धनतेरस में इसका हम लोग प्रोजेक्ट को फाइनल हम लोग देख पाएंगे कि होम्स है या फिजिकली। अभी हम लोग पेपर में बात कर रहे हैं, फिर हम लोग फिजिकली इस धनतेरस को, उसका विधिवत उद्घाटन होगा और उसमें जो हमारा धनतेरस का कार्यक्रम होता है, धनतेरस मेला होता है, करोना स्टार कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम के दौरान इसका हम लोग उद्घाटन भी करेगा और उसको जमीन पे देख पाएंगे ताकि होम्स है क्या है। इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स का लिस्ट तो बहुत लंबा है लेकिन मैं कुछ फीचर्स बता रहा हूँ। जैसे हमारा गेट सेंसर होगा, गाड़ी नंबर को स्कैन करेगा, ऑटोमेटेड गेट होगा, जैसे आप देखते हैं टोल फ्री में फास्टैग पे, उसी तरह से हमारा गेट होगा। ये मोबाइल और रिमोट से कंट्रोल होगा, स्विचिंग सिस्टम जितना भी है हमारा मोबाइल से वाईफाई से कंट्रोल होगा। वॉइस कंट्रोल, जैसे एलेक्सा को देखते हैं कि जो आप ऑर्डर देते हैं एलेक्सा करती है, तो मैक्सिमम घर का काम आपको एलेक्सा कर देगी, जैसे कर्टेन को हटाना है, गेट खोलना है, टीवी ऑन करना है, एसी को बंद करना है, सारा काम एलेक्सा करेगी, उसका हम लोग उसमें फीचर्स दे रहे हैं। ये मोशन इनेबल लाइटिंग सिस्टम है कि वॉशरूम में गए, आपको जरूरत है वॉशरूम एंटर किए और आपका जो मोशन आगे जाएगा उससे आपका लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे वॉशरूम से निकलेंगे आपका वो ऑफ हो जाएगा। गैरेज में भी यही सिस्टम है, गैरेज में आप जैसे गाड़ी को ले जाएंगे तो लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे आप बाहर निकलेंगे लाइट ऑफ हो जाएगा, मतलब जहां लाइट की जरूरत है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा।
फोन में भी वही है, उस तरह से स्मार्ट फाइल सेंसर है, स्मार्ट लॉक का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे एंटी थेफ्ट गाड़ी बनता है, उसी तरह से हम लोग एंटी थेफ्ट घर बना रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा आदमी जिसको हम एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, वो घर में एंटर नहीं कर पाए। और आप फ्री होकर के अपने काम कर रहे हैं, जो आए दिन देखते हैं कुछ ना कुछ घर में चोरी होते रहता है, वो वहां आपके घर में नहीं होगा। उसके बाद ऑटोमेटेड डे नाइट स्विचिंग ऑफ आउटडोर लाइटिंग है, जैसे बाहर में जो भी स्ट्रीट लाइट है आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग उसमें सोलर सिस्टम भी लगा रहे हैं। उसके बाद स्मार्ट ऑटोमेटेड गार्डनिंग सिस्टम है, वाटर पंप कंट्रोल करेगा, जैसे गार्डन है हमारा उसमें ऑटोमेटिक जितना आपको लीटर पानी चाहिए कैपेसिटी में उतना सेव कर दीजिए, स्प्रिंकल होते रहेगा, आपको वाटरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या स्मार्ट स्विमिंग पूल बना रहे हैं, जैसे कवर्ड बना रहे हैं लेडीज के लिए, हम लोग का कल्चर है ओपन में स्विमिंग लेडीज नहीं कर पाते, उसके लिए हम लोग कवर्ड बनाएंगे और उसका क्लोरिंग टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक रहेगा, उसको साफ करने की मैनुअल आवश्यकता नहीं है। हम उसमें स्विमिंग पूल एक वेव स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं, जैसे लगेगा कि हम किसी समुद्र में खड़े हैं, वेव करेगा स्विमिंग पूल। उसके बाद ऑटोमेशन हो गया, ऑटोमेशन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो रोड है काफी चौड़ी है, आपका जो पार्क बन रहा है पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन दे रहे हैं, कैफेटेरिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में जैसे बास्केटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट गार्डन ये सब सारी फैसिलिटी है। वेव स्विमिंग पूल मैंने बताया था आपको, इंडोर स्विमिंग पूल फॉर लेडीज के लिए, कम्युनिटी हॉल, मड जोन, जैसे पहले ना देखते थे कि नहाने के मिट्टी का प्रयोग करते थे, ये भागलपुर से मिट्टी लाते थे, उसका हम लोग मड जोन बनाया है। और उसके बाद फिर आप वहां शावर वगैरह ले लीजिए, मड जोन बना रहे हैं। फिर आपका उसके अंदर स्टीम है, स्पा है, म्यूजिक क्लब है, फिटनेस जिम है, मिनी थिएटर है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीजों का जो हमें जरूरत होता है मेट्रो सिटी में, और एक किसी आप मेट्रो सिटी में जाते हैं चाहते नहीं हमारे घर में ये फैसिलिटी हो, उस सारी फैसिलिटी का, जैसे पर्गोला है योगा करने के लिए, झुंबा है, सीसीटीवी सिक्योरिटी, सोलर सिस्टम, इंटरकॉम फैसिलिटी, पूरा कैंपस आपका वाईफाई होगा, वाईफाई के लिए सारा काम है। लैंडस्केपिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा लाइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, और जितने भी हाई एंड बिल्डिंग बनेंगे उसके लिए हम लोग लिफ्ट का प्रयोग करेंगे, और जो पूरा कैंपस होगा वो आपका लग्जरी कैंपस होगा। इन सब सारी फीचर्स के साथ इस जो हम लोग तैयार कर रहे हैं।